नाम बताओ अपना। सत्यम। सत्यम, कैसा पेपर हुआ ओवरऑल? पेपर इजी था। इजी था, टाइम बहुत, टाइम कम थे। हाँ, टाइम कम, क्वेश्चंस नंबर ऑफ ज़्यादा होने के कारण आपके टाइम कम लग रहे थे। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कौन से पोर्शन इजी लगे? फिजिक्स आसान था। फिजिक्स आसान थे, अच्छा। केमिस्ट्री के बारे में बताओ। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक था। इनऑर्गेनिक और फिजिकल से क्वेश्चन ज़्यादा आए कि नहीं? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों ने बताया कि नहीं आए। फिजिकल से उतना नहीं आया। उतना नहीं आया, ऑर्गेनिक से अच्छा आया। अच्छा अच्छा, और ये जेई मेन के कंपेयर करोगे तो कैसा रहा पेपर? जेई मेन से तो आसानी था। आसान था पेपर, अच्छा। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कि इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का, वो नॉर्मल था। नॉर्मल था। आपने कितने स्कोर किए हैं? मेरा 113 गया है। 113 गया, तो फेज टू भी देंगे आप ऐसा लग रहा है, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि उतना हाई स्कोर आपका नहीं है। राइट राइट, आप ड्रॉपर है या अपियरिंग स्टूडेंट है? अपियरिंग। अपियरिंग है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। आप नाम बताओ। सर मेरा नाम ईशान ठाकुर है। ईशान भाई, आपना नाम? कौशिक। कौशिक, आप लोग पेपर देके खुश हो, सेटिस्फाई हो? जी सर। जितना बनाए थे आपने वैसा आ रहा है पेपर? बिल्कुल सर। लेवल बता दो, जेई मेन से लेवल बताओ कि कैसा था? उसी के बराबर थोड़ा था, ऊपर नीचे थोड़ा। ऊपर नीचे के रेंज में था। इजी कौन से पर्सन लगे हैं आपको? फिर इसके आपके दोस्त इजी कौन से लगे हैं? मैथ्स इजी था। मैथ्स इजी था। आप मैथ्स में ज़्यादा बनाते हो क्या, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो, ऐसा होता है? सर ऐसा नहीं है। हाँ। एनसीईआरटी लेवल मैथ्स था। एनसीईआरटी लेवल मैथ्स से। और आपने कितने आए हैं मार्क्स आपके अभी प्रेजेंट में? मेरे सर आए 284। आपके दोस्त? 250। अच्छा, तो क्या आप जेई मेन में का ठीक परसेंटाइल है या इधर फोकस कर रहे हो बिट्स पे लाने के लिए? नहीं सर, इधर ही फोकस कर रहे हैं। आप जानते हो इसके बारे में, क्योंकि इसका लेवल है, क्वालिटी है कॉलेज का? बिल्कुल बिल्कुल सर। राइट राइट, आप इधर ही देखोगे या? इधर ही अभी देख रहे हैं, अभी आगे कॉलेज बढ़े। फेज टू देंगे आप इसका? फेज टू देंगे डेफिनेटली। और ये मणिपाल वगैरह? मणिपाल भी दिए थे। तो ओवरऑल आप खुश हो पेपर देके? yes, और इवन इम्प्रूवमेंट करोगे फेज टू में ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लगभग 300 के रेंज में स्कोर करोगे तो सीएस में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अभी भी आपके एडमिशन श्योर हो रहे हैं। ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप ट्राई कीजिए।